मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत दिग्विजयनाथ पार्क में जनपद की 955 करोड़ की परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण व शिलान्यास किया तथा उन्होंने मंडल के 414 दृष्टिबाधित बच्चों को अनुकूलित टैबलेट, 264 मानसिक मंदित बच्चों को एमआर किट, 316 बच्चों को श्रवण यंत्र, 55 बच्चों को ब्रेल किट तथा 116 बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लैपटॉप का वितरण किया तथा उन्होंने छात्रों से पढ़ाई के बारे में जानकारी ली और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता की विभाजनकारी राजनीति ने आम जन को विकास से वंचित किया था। समाज को जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के खाचों में बांटकर विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि विकास समग्रता में होना चाहिए क्योंकि विकास का कोई विकल्प नहीं होता तथा जनपद के हुए विकास को देखते हुए कहा कि अब आप कह सकते हैं कि मुस्कुराइए कि आप गोरखपुर में हैं। उन्होंने समग्र विकास की परिकल्पना के साकार उदाहरण स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पित बाबा विश्वनाथ धाम परियोजना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आप सबने काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण देखा होगा। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव की पूजा तो की ही तथा धाम को बनाने में अपना श्रम समर्पित करने वाले श्रमिकों की भी उपासना की व उनका सम्मान किया तथा इसके पहले भी प्रधानमंत्री ने प्रयागराज के महाकुंभ में माँ गंगा की धारा में डुबकी लगाने के साथ स्वच्छता कर्मियों का पाद प्रक्षालन, पांव पखारना किया। उन्होंने कहा, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा प्रेरणादायी कार्य किया। उन्होंने कहा कि हमें भी समाज के हर तबके के साथ ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ना होगा और सदर सांसद रवि किशन यहाँ हुए विकास के कारण ही फिल्मों की शूटिंग कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा, 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों लोकार्पित खाद कारखाना व एम्स का लोकार्पण किया गया। अब इस खाद कारखाने से किसानों को भरपूर, सस्ते और घर में ही खाद उपलब्ध होगी और साथ ही इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी होगा तथा एम्स जैसा बेहतरीन चिकित्सा का केंद्र मिल जाने से इंसेफ्लाइटिस सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, संत प्रसाद, श्रीमती संगीता यादव, शीतल पांडे, जीडीए बोर्ड के सदस्य राधेश्याम श्रीवास्तव, दुर्गेश बजाज, पवन त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह सहित भारी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक एवं स्वागत है। और फिर और आप सुबह जान जाएंगे कि पूज महाराज सबसे मिलने 6 बजे 7 बजे गए हैं आपके मथुरा। 19वीं बार मित्रों, आज पूज महाराज का उद्बोधन में सुना था, 19वीं बार हम उनका पता निकलते थे साथियों। आज हमारे मुख्यमंत्री कोई ऐसा दिन नहीं रहता होगा, यही पूर्वांचल है। आप देखे होंगे पूज महाराज जी जब सांसद थे, इंसेफ्लाइटिस का कहर, डेंगू का कहर, लेकिन जो ही मुख्यमंत्री हुए सुध लिए और साथियों तोहफा लेकर आए हुए। आज इस कार्यक्रम में मंच पर अभी जिसको आपने सुना, लोकप्रिय सांसद रवि किशन जी की ओजस्वी वाणी आपने सुना, पूरे विकास की योजनाओं को एक एक करके उन्होंने गिना दिया। अब जो बाकी बची है थोड़ा बहुत तो भी मैं भी बता दे रहा हूँ। इस मंच पर बैठे हैं नगर विधायक राधामोहन जी, हमारे ग्रामीण विधायक विपिन सिंह जी, शीतल पांडे जी, चौधरी चौरा तिप्राइज के विधायक, हमारे
भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष सुदर्शन सिंह जी, अभी आपको महाराज जी के मुंह से सुनेंगे 933 करोड़ की योजना पीडीए के माध्यम से लॉन्च की जा रही है। जीडीए बहुत ही तत्परता के साथ जो सरकार कार्य निर्धारित कर रही है तेजी से कर रही है। इस योजना में मध्यम वर्ग और जो गांव हमारे नगर निगम महानगर की योजना में शामिल हुए हैं 32 गांव, उसमें भी 100 करोड़ से ज्यादा उन ग्रामीण क्षेत्रों के किसान भाइयों को, वहां की जनता को सड़क और नाली का शिलान्यास महाराज जी करेंगे। प्रशासन संवर्ग के एवं सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में गुरु की परंपरा को उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु के चरणों में पुष्पांजलि प्रशासन संवर्ग एवं हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में योग एवं संसारों की इस व्यवस्था पर अपने एवं हम सबकी संरक्षक गोरक्षपीठाधीश्वर हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन, हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन की इस परंपरा को कायम रखते हुए आज के इस कार्यक्रम में वंदन। सर्वप्रथम स्वागत की परंपरा को कायम करते हुए स्मृति चिन्ह के लिए लाभान्वित करें योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता हुआ आज गोरखपुर के इस धरा पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से यह लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम कक्षावार नियत है वो पढ़ सकेंगे। इस हेतु हमारे बीच में मंच पर यूनिसेफ के यूपी हेड श्री अनिल मेहरोत्रा जी हैं। आज गोरखपुर में चार मंडल से गोरखपुर देवर हमारे बड़े स्टे की कृपया आप हट जाए। अरुण के पश्चात रिंगी प्राथमिक विद्यालय तिरंगिया नंबर 1 से बच्चों को आगे कर दीजिए थोड़ा सा, और बच्चों नन्ही बच्ची रिंकी कंपोजिट विद्यालय जंगल शालीग्राम नगर क्षेत्र में, सामने घर जाइए, सामने घर जाइए भाई। उसी के साथ नगमा बानो प्राथमिक विद्यालय चन्हा से भजनी, ये सर ये नन्हे मुझे बच्चों से बात करते हुए स्नेह आशीर्वाद नगमा पासी ये बच्ची एडोपेबल टेबल को प्राप्त करती हुई, तत्पश्चात सरफराज तालियां बजती रही है बच्चों के लिए आनंदित चार दिवर के हाथों आलम, तत्पश्चात देवरिया से गोपाल, उसके पश्चात गिरधारी देवरिया से शिवा, डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर से चेतन शुक्ला, चेतन शुक्ला जो इसी पश्चात श्रवण दिव्यांग बच्चे आएंगे, बता दीजिएगा भैया हियरिंग एड को प्राप्त करते हुए ये बच्चे अपनी आगामी कार्यक्रमों से प्राप्त करती हुई ये नन्ही बच्ची अच्छी कक्षा 2 की छात्रा अनु
पूरी माध्यमिक विद्यालय सरैया आज है। प्राथमिक विद्यालय घोड़सारी से कक्षा 3 का ये छात्र मान्य रेट को प्राप्त करते हुए ये छोटा बच्चा कक्षा 3 का अजय राजनंदिनी सिर पर पड़ जाए तो उसके बराबर का यह छात्र उत्तर प्रदेश के सुश्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम से ये रेट को नगर के बाद राजनंदिनी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जनरल कौड़िया से रेशमी जनरल कौड़िया की छात्र इसके पश्चात बौद्धिक दिव्यांग बच्चों में श्लोकपाल एमआरपी से एमआरपी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से प्राप्त करें अंबौरा पिपरौली से अब है प्राथमिक बच्चों में ब्रेल किट को प्राप्त करने के लिए चांदनी ये चार बच्चे और हैं चांदनी प्रिया जगल मॉडल इसी पश्चात मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से कृतिक नारायण तिवारी कार्यक्रमों से मंच पर 5 बच्चों शफकत अजीज विधायक चोरी चौरा श्रीमती संगीता यादव जी विधायक खजरी श्री संत प्रसाद जी जिला अध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी महानगर अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता जी जीडीए बोर्ड के सदस्य श्री राधेश्याम श्रीवास्तव जी दुर्गेश बजाज जी पवन त्रिपाठी जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों आज यहाँ पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के साथ साथ तमाम अन्य योजनाओं को जिनकी लागत लगभग 316 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का लोकार्पण और 616 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत की योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए सबसे पहले गोरखपुर के सभी नागरिकों को इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज 19 दिसंबर है और आज ही के दिन 1927 में देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर रोशन सिंह और अस्कार उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी जिनके बलिदान ने देश को आजाद किया। इसलिए इन अमर बलिदानियों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि जो आज यहां पर 932 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है इसके लिए गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया है इसके लिए उन्हें हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की इसमें 4 जो 3 आवासीय योजनाओं का 298 करोड़ रुपए की लागत की आवासीय परियोजनाओं का
लेक व्यू अपार्टमेंट योजना 192 आवास, लोया एनक्लेव एक प्रथम आवास योजना 140 करोड़ रुपए की लागत से, और फेस द्वितीय के आवासीय योजना 72 करोड़ रुपए की लागत से, अवस्थापना निधि से कराए जाने वाले 5 कार्यों का 18 करोड़ रुपए और शासन की विभिन्न अन्य योजनाओं की 22 करोड़ रुपए की लागत से योजनाओं का यहाँ पर इन योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है और शिलान्यास इन योजनाओं का हो रहा है, जिसमें गोरक्ष इनक्लेव आवासीय योजना 86 आवास, राप्ती ग्रीन आवासीय योजना 48 आवास, ग्रीन बूट अपार्टमेंट योजना 440 आवास, इन सभी आवासीय योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय और स्थापना निधि से कराए जाने वाले कार्य और कड़ी आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत भी कराए जाने वाले कार्यों का यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, जिनकी लागत 616 करोड़ रुपए है। सबसे पवित्र कार्य जो इससे विकास के साथ साथ स्वावलंबन की भी झलक आती है, वह है 100 दिव्यांग जनों को मोटराइज ट्राई साइकिल का वितरण, 212 अक्षम दिव्यांग जन को व्हील चेयर ट्राई साइकिल और सीपी चेयर का यहाँ पर वितरण हुआ है, 414 पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चों को अनुकूलित टैबलेट और 316 पूर्ण श्रवण बाधित बच्चों को श्रवण यंत्र का वितरण, 264 मानसिक मंदिर छात्रों को एमआर किट और 55 पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेन किट का यहां पर वितरण किया गया है और 116 बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप का वितरण हुआ है। मैं इन सभी लाभार्थियों को और इन सभी बच्चों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाई बहनों, हम सबको याद रखना होगा, विकास का कोई विकल्प नहीं और विकास की इस प्रक्रिया का परिणाम है, याद आप गोरखपुर में आएंगे तो आप भी कह सकते हैं कि मुस्कुराए आप गोरखपुर में है, क्योंकि ये मुस्कुराए केवल रवि किशन जी की फिल्मों के कारण ही नहीं है, विकास के कारण भी है और विकास के कारण ही रवि किशन जी गोरखपुर में भी आए हैं और फिल्मों का शूटिंग भी करते हैं। सीताराम जी उनके साथ इसीलिए फिल्मों में एक्टिंग करते हैं और विकास में रुचि लेते हैं। विकास इसकी आवश्यकता है। रामगढ़ ताल अभी प्रधानमंत्री जी ने 7 दिसंबर को गोरखपुर के एम्स और गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाना का उद्घाटन किया। कोई सोचता था गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना अपना चल पाएगा, लेकिन आज चल रहा है, प्रारंभ हो गया है, पैर रन पे है और बहुत शीघ्र फुल प्रोडक्शन के साथ जब आएगा तो किसानों को भरपूर मात्रा में यहाँ पर यह खाद उपलब्ध करवाएगा, सस्ती में खाद, घर में ही खाद, रोजगार का सृजन भी करेगा और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से एम्स अंतरराष्ट्रीय मानक की बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा का केंद्र गोरखपुर में स्थापित हुआ है। एम्स स्थापित होने के साथ ही इंसेफ्लाइटिस समाप्त हो गया है, इंसेफ्लाइटिस का भी समाधान, यानी जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसके साथ बहुत सारी ढेर सारी योजनाओं को भी अपने साथ लेकर के आता है, आज उसका लाभ यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही गोरखपुर में विकास की ढेर सारी योजनाएं, रामगढ़ ताल परियोजना, अभी हम लोग कुछ ही दिनों में नगर निगम के एक नए भवन के लोकार्पण की कार्रवाई संपन्न करेंगे, वाटर स्पोर्ट्स का भी एक नया आधुनिक केंद्र यहीं पर बन रहा है, वाटर स्पोर्ट्स के लिए बेहतरीन केंद्र गोरखपुर का, यहाँ के नौजवानों को इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। गोरखपुर के जू में आप जाते हैं, चिड़ियाघर में कभी जाते हैं, कितने लोग गए हैं, आप लोग गए घूमने के लिए गए हैं ना, वहां पर रहने के लिए तुमने आए थे, वो घूमिए, आनंद लीजिए, बच्चों को भी घुमाइए, उसका भी आनंद लीजिए और विकास की योजनाओं में भरपूर योगदान दीजिए। स्पष्ट दृष्टि प्रधानमंत्री मोदी जी की दृष्टि, विकास कैसे होना चाहिए,
और समग्रता का प्रतीक क्या होता है, ये अगर आपको देखना है, दो घटनाएं आपके सामने। एक काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन कार्यक्रम को आपने देखा होगा, कितने लोगों ने देखा है? काशी विश्वनाथ धाम बेहतरीन केंद्र बना है, लेकिन बेहतरीन के साथ साथ शिव की भी पूजा होगी तो सर्वे की भी उपासना होगी, सर्वे का भी सम्मान होगा। शिव की आस्था और सर्वे का सम्मान, ये दृश्य आपने देखा ना, पहली बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा सर्वे को सम्मान देने की कार्रवाई किस रूप में हुई है आपने देखा, और कुंभ के समय भी आपने देखा होगा, कुंभ में आस्था की डुबकी संगम में प्रधानमंत्री जी ने लगाई, वो आस्था का सम्मान था। और जब सफाई कर्मियों के पात्र प्रक्षालन की कार्रवाई की तो वह स्वच्छता के प्रति पूरा जीवन समर्पित करने वाले स्वच्छता कर्मियों को भी सम्मान करने का एक अवसर था। भाइयों बहनों, हमको भी अपने जीवन में इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ना चाहिए, स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा, समाज के हरेक तबके को सम्मान देना होगा, उस सस्ती लोकप्रियता से बचना पड़ेगा, जो लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता के समाज को बांटने का कार्य करते हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, वर्ग के आधार पर, ये विभाजनकारी राजनीति ही हमें पीछे धकेले थी, विकास से वंचित की थी। जब विकास के एक सार्थक और समग्र सोच के साथ हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे, उसके उसी प्रकार के सकारात्मक परिणाम भी सामने प्राप्त होंगे। और इससे आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबको, आपको काफी देर से प्रतीक्षा करनी पड़ी, मैं भी मथुरा से सीधे आ रहा हूं, सुबह काकोरी में काकोरी के नायकों को पहले श्रद्धांजलि दी, फिर मथुरा में गया, मथुरा में जन विकास जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करके फिर अभी एक कार्यक्रम को योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा गृह में संपन्न करके और फिर दिव्यांग जनों को कर वितरण करने के बाद आपको मैं यहाँ पर इन योजनाओं को लोकार्पित और शिलान्यास करने के लिए सभी मान्य जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर आया हूँ। एक बार फिर से इन सभी विकास योजनाओं के लिए गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं, और विश्वास के साथ कि विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़ेंगे, आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।